आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर एट सोलर एनर्जी जो आप मानी मेहरा जी ने लिखा हुआ है ये चैप्टर और ये क्लास एट की जो डेफोडिल्स की इंग्लिश बुक है वहाँ से लिया गया है और ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको आज इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट माई वर्ड बैंक है लर्निंग ग्रामर है सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट ठीक है हर चीज़ के पीछे का रीजन भी हम जानेंगे ठीक है स्टूडेंट तो चलो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है ना चूज द करेक्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स उसे देख लेते हैं ठीक है स्टूडेंट ओके okay, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं देख लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो लेट्स गो इजी फर्स्ट है ना तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन अ सोलर फार्म प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जो सोलर फार्म होते हैं स्टूडेंट है ना फार्म वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की मदद से सन रेज की है ना सूर्य की जो किरणें आती उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ठीक है ना ड्यू टू डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोलर पैनल रिमेन डिक्लाइन का मतलब होता है कमी है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यानी सोलर पैनल को थोड़ा सा एडवांस रूप देने में थोड़ी सी कमी है है ना इसीलिए वो क्या है अभी तक इनसफिसियंट है है ना इनएफिसिएट है उतनी ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं है समझ में आ गया नैनो डॉट्स आर नैनो डॉट्स क्या है पॉलीमर कोटिंग्स होती है नैनो डॉट्स ठीक है इससे क्या करते हैं जो सोलर पैनल की सन की जो रेज होती है सन रेज है ना उसको एब्जॉर्व uh, करने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है इसके मदद से ठीक है देखो राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है ना सोलावटा इज अ विलेज इन हरियाणा सोलावटा एक विलेज है जो कि हरियाणा में ऐसा यहाँ पर लिखा है लेकिन नहीं है स्टून हरियाणा में ठीक है ना वो शायद कहाँ पर है राजस्थान में है कहाँ पर है राजस्थान में है ना ठीक है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ठीक है यह फॉल्स लिखा हुआ है पावर फ्रॉम द फोर्टी वाट सोलर पैनल इजेंट इज नॉट सफिशियंट फॉर राम रामेश्वर लाल चौधरीज हाउस यहाँ पर बोला कि फोर्टी वाट का जो पावर है जो सोलर पैनल से मिल रहा है वो रामदयाल चौधरी के घर के लिए सफिशियंट नहीं है ये गलत बात है सफिसियट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना वो तीन बल्ब जला सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है उनके लिए बायो मिमिक्री इज कॉपिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी फाउंड इन नेचर सही बात है ये ट्रू स्टूडेंट है, है ना बायो मिमिक्री क्या है एक कॉपी किया गया किसी स्ट्रक्चर की जो नेचर में ऑलरेडी मिलता है एक लीफ का स्ट्रक्चर है उसके थ्रू अ न्यू डिजाइन फॉर सोलर पैनल्स हैज़ बीन अनवील्ड बाय टेस्ला सीईओ ओ इलॉन मस्क जो इलॉन मस्क का स्टूडेंट अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा है ना ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं ना रिचेस्ट पर्सन ऑन इन ऑन द अर्थ है ना पूरे अर्थ के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है ये इलॉन मस्क ठीक है ना जेस बेजोस जो है अमेजन के जो सी है उनको भी पीछे कर दिया इन्होंने ठीक है ना तो इन्होंने क्या किया इनकी जो कंपनी है उन्होंने क्या किया है एक नया डिज़ाइन सोलर पैनल का अनवील्ड मतलब बता निकाला है ठीक है तो ये बात सही है ट्रू है स्ट्रेंट ठीक है आगे देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और स्टेप अहेड में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टूडेंट ठीक है तो देखो एक दो तीन चार क्वेश्चन दिया आपके बुक में पेज नंबर सिक्सटी टू में आप देख पाएंगे सिक्सटी टू और सिक्सटी थ्री में तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो तो इसको आप स्क्रीन भी ले सकते हैं आंसर का ठीक है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इमेज ठीक है तो पहला क्वेश्चन है आपको दिख पा रहा है हाउ हेज इंडिया इम्प्रूवड इट्स सोलर पावर कैपेसिटी इन द लास्ट थ्री ईयर पिछले तीन सालों में सोलर पावर कैपेसिटी को कैसे इंडिया ने इम्प्रूव किया है आंसर देखो बाय क्वाड्रिपल्ड क्वाड्रिपल्ड इट्स कैपेसिटी है ना क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है चार गुना कर देना बाय क्वाड्रिपल्ड इट्स कैपेसिटी इन द लास्ट थ्री ईयर्स टू ट्वेल्व गीगा वाट है न चार गुना कर दिया और ट्वेल्व गीगा वाट तक पहुँचा दिया है सोलर एनर्जी को ठीक है ना उसकी कैपेसिटी को तो इस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ है ठीक है ना सेकेंड क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब हाउ सोलर पावर हैज़ हेल्प्ड रामेश्वर लाल चौधरी सोलर पावर ने कैसे हेल्प किया रामेश्वर लाल चौधरी जी की आंसर देख लेते इसका बाय प्रोवाइडिंग हिम इलेक्ट्रिसिटी उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हेल्प किया है ठीक है ना थर्ड क्वेश्चन क्या है इज द मेजर प्रॉब्लम विद सोलर पैनल्स सोलर पैनल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आंसर देखो थर्ड मेजर प्रॉब्लम इज दैट अबाउट थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द सन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द पैनल्स रैदर दैन कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिसिटी रैदर दैन का मतलब होता है के बजाय तो क्या बोला है जो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि लगभग 35% परसेंट जो सन से जो लाइट पड़ती है सोलर पैनल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है पैनल से है ना वो कोई काम की नहीं आती रेदर देन कन्वर्टेड इसके बजाय कि वो कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या हो जाती है वेस्ट हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है ठीक है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तीसरा हाँ ठीक है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो वॉट हैज इन मस्क अनवील्ड कौन सी चीज को आविष्कार किया बनाया इलॉन मस्क में ने है ना वाई हैज इट बीन ब्रॉट आउट है ना और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ब्रॉट आउट मतलब होता है इस चीज के निर्माण की, की जरूरत क्यों पड़ी तो आंसर देखो ही अनवील्ड अ न्यू डिजाइन उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया फॉर सोलर पैनल सोलर पैनल के लिए उसकी जो प्लेट्स होती है ना दैट रिजेंबल्स ट्रेडिशनल रूफ टाइल्स रिजेंबल्स का मतलब होता है मेल खाना जो मेल खाती जो है किससे मिलती जुलती है ट्रेडिशनल रूफ टाइल्स है ना जो पुरानी रूफ होती थी वो छत होती है उसमें जो टाइल्स लगाई जाती थी कबेलू है ना उससे मेल खाती है इट हैज़ बीन ब्रॉट आउट टू इम्प्रूव

वॉट वॉज हिज कंडीशन सिक्स मंथ्स अगो छः महीने पहले इनकी क्या स्थिति थी, थी क्या कंडीशन थी तो बुक से क्वेश्चन देख लेना मैं आंसर बता रहा हूँ आपको कौन है रामेश्वर लाल चौधरी इज अ फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड फार्मर पैंतालीस साल की पुरा ओल्ड फार्मर है पैंतालीस साल के ऑफ द विलेज ऑफ सोलावटा इन राजस्थान सोलावटा एक विलेज है राजस्थान में इंडिया में वहाँ के हैं ये है ना अंटिल सिक्स मंथ्स अगो छः महीने पहले तक अंटिल मतलब तक छः महीने पहले तक दे वर पार्ट ऑफ द फोर्टी फोर परसेंट ऑफ इंडिया इंडियाज रूरल हाउस होल्ड्स हु लैक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या थे जो फोर्टी परसेंट लोग हैं इंडिया में जो ग्रामीण लोग हैं जिनके घर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है उन्हीं की गिनती में ये भी ये भी आते थे छ महीने पहले लेकिन सोलर पैनल लग गई तो अब उनके यहाँ बिजली आने लग गई है ठीक है ना सेकेंड क्वेश्चन क्या स्टैंड वेन एंड वेयर When, मतलब कब, where, कहा कब और कहा वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फार्म हैज अनवील्ड डिस्क्राइब इट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म है ना कहाँ पर निर्मित किया गया अनवील मतलब बनाया गया है उसको डिस्क्राइब करना है आपको तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो आपके सामने है इन नवंबर 2017 है ना द कंट्री अनवील्ड द कंट्री मतलब इंडिया है ना अनवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर यानी आज तक का दुनिया का एवर का मतलब तो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म अनविल्ड किया है उन्होंने निर्मित किया है कहाँ पर एट कामुथी इन तमिलनाडु तमिलनाडु के कामुथी करके एक जगह है वहाँ पर ठीक है ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है इट स्ट्रेच उसके बारे में कुछ बताइए बोला है तो इस स्ट्रेच ये फैला हुआ है एक्रॉस कहाँ तक टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड एकर्स मतलब ढाई हजार एकड़ की भूमि में ये फैला हुआ है मतलब दस हज़ार मीटर स्क्वायर दस हजार मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है अगर इसको तो चेंज करें तो एंड इट्स इट्स टू पॉइंट फाइव बिलियन सोलर मॉड्यूल्स आर क्लीनड इसके जो टू पॉइंट फाइव मिलियन सोलर मॉड्यूल्स है कुछ है ना सोलर प्लेट्स है आर क्लीनड ईच डे उसे हर दिन क्लीन किया जाता है बाय अ टीम ऑफ रोबोट एक रोबोट की पूरी टीम है उसके द्वारा और ये रोबोट की टीम भी किससे चलती है वो भी सोलर पावर से ही चलती है चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट वो देख लेते हैं फिर फोर्थ तो देख लेंगे ना थर्ड क्वेश्चन क्या देखो व्हाट आर नैनो डॉट्स क्या है हाउ डू पॉलीमर कोटिंग के जो फीचरिंग पैटर्न है पॉलीमर कोटिंग वाले ठीक है ना इट इज यूजफुल ये क्या काम आते हैं इट इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ लाइट लॉस्ट थ्रू रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन के द्वारा प्लेट पे जो सनलाइट ऐसी टकराती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू जो लाइट का लॉस होता है ना उसको क्या करती है रिड्यूस करती है है ना और कितने परसेंट से रिड्यूस कर दी फ्रॉम थर्टी फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट पहले थर्टी फाइव परसेंट लॉस हो जाता था अब सिर्फ ट्वेल्व परसेंट ही लॉस हो रहा है ठीक है देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है वट हैज स्मार्ट फ्लावर डेवलप्ड हाउ इज इट यूजफुल किस चीज को स्मार्ट फ्लावर ने डेवलप किया है और ये कैसे यूजफुल है देखो फो, फो, ये आंसर आपके सामने इट हैज डेवलप्ड ऑल इन वन सोलर यूनिट दैट सिट्स इन योर गार्डन इन्होंने एक ऑल इन वन मतलब सब मिला के एक ही सोलर यूनिट है ना क्रिएट किया हुआ है जो आपके गार्डन में भी रखी जा सकती है ट्रैक्स द सन लाइक अ सनफ्लावर और सनफ्लावर जिस तरह से सन की डायरेक्शन की तरफ मूव होता है वैसे ये भी क्या करती सन को ट्रैक करती है ना मूव होता है उसी टाइप से ऑटोमेटिकली द स्मार्ट फ्लावर जो स्मार्ट फ्लावर है कैन स्विच आवर हाउस होल्ड अप्लायसेज जो घर के जो इलेक्ट्रिक अपलायंसेस उपकरण है उनको क्या कर सकता है स्विच कर सकता है चालू बंद कर सकता है स्विच ऑन एंड ऑफ यानी चालू बंद कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल ये डिपेंड करता है कि आपकी सोलर पैनल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है तो स्विच ऑन कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी कम है तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देगा घर के जो सोलर अप्लाइंसेस है हाउस होल्ड है ना घर के जो उपकरण है बिजली से चलने वाले ठीक है चारों क्वेश्चन के आंसर है इसका भी आप एक बार में क्या कर लीजिए स्क्रीन ले लीजिए क्लियर स्टूडेंट ओके आगे बढ़े देखो अब रेफरेंस टू कॉन्टे इसका भी स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग क्या बोला इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिफरेंस टू कॉन्टेक्स है ना विद द एक्स्ट्रा लाइट वी कैन स्टडी अंटिल टेन पी एम किसने कहा ये चीज़ हु इज़ द स्पीकर ईयर कौन है पूजा ने कहा ऐसा कि एक्स्ट्रा लाइट अब हमें मिल रहा है तो हम दस बजे तक रात के पढ़ सकते हैं ना पूजा कौन है पूजा सेवनटीन ईयर ओल्ड स्टूडेंट एंड द डॉटर ऑफ रामेश्वर लाल चौधरी की जो सत्रह साल की बच्ची है बेटी है डॉटर है उनकी उसने ये चीज़ कही है ना वेयर इज द स्पीकर गेटिंग एक्स्ट्रा लाइट फ्रॉम कहाँ से स्पीकर को एक एस्ट्रालाइट मिल रही है फ्रॉम अ फोर्टी वाट सोलर पैनल जो फोर्टी वाट की सोलर पैनल लगाई गई वहां से मिल रही है सेकेंड देखो क्वेश्चन क्या है आपका जो रिफरेंस टू कॉन्टेक्सट का इसका भी आप इस, स्क्रीन शॉट ले सकते ठीक है हाँ द फर्म इज ऑल्सो डेवलपिंग एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैपेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट ये क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग वॉट इज द नेम ऑफ द फर्म फर्म का मतलब कोई कंपनी है ना वो क्या डेवलप कर रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैपेसिटी है ना फॉर द प्रोडक्ट जो घर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए तो क्या है फर्म का नाम क्या स्मार्ट फ्लावर इस फर्म का नाम है इस कंपनी का व्हाट इज़ द प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट को बनाया उन्होंने द स्मार्ट फ्लावर दैट ट्रैक्स द सन लाइक सनफ्लावर जो ट्रैक करता है सन sun को सनफ्लावर के जैसे वो है है ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके एब्जॉर्व कर सके सनलाइट को वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है आंसर देखो द थिंग्स कनेक्टेड टू इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो इंटरनेट की फैसिलिटीज से कनेक्टेड हो जाएगी जो चीज़ें उनको बोला है इंटरनेट थिंग्स डी क्वेश्चन क्या आपका हाउ इज़ इट हेल्पिंग टू इंप्रूव द प्रोडक्ट आंसर देखो जो प्रोडक्ट है घर के उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इसके थ्रू आ देखो इट कैन स्विच हाउस होल्ड अप्लाइंसेज ऑन एंड ऑफ ये क्या कर सकती है जो है सन फ्लावर जो क्या नाम है इसका हाँ सन फ्लावर स्मार्ट फ्लावर ठीक है स्मार्ट फ्लावर जो है आपका उपकरण वो क्या कर सकता है ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो है घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसे ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कर सकता है डिपेंडिंग ये डिपेंड करता है कि ऑन हाउ मच सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल कितनी और सोलर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है अगर ज़्यादा है तो ऑन ऑफ ऑन रखेगा कम है तो ऑफ़ कर देगा ठीक है स्टूडेंट आगे देखो माई वर्ड बैंक है ना क्या है ये माय वर्ड बैंक चलो हम इसको सीधे आंसर की तरफ ही लेके चलते हैं आपको ये है सारा का सारा आंसर आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट ठीक है ना चलो क्या क्या करना है आपको बहुत आसान है स्टूडेंट ऑब्जर्व द रिलेशन एंड कंप्लीट ईच ऑफ द गिवन लिंक है ना क्या करना है आपको रिलेशन ऑब्जर्व करना है देखो बॉय का रिलेशन किससे गर्ल से है ना बॉय का जिस तरह से गर्ल से रिलेशन है वैसे ही मैन का कनेक्शन है विमेन से सही बात है है ना न्यू इज टू ओल्ड देखो न्यू इज टू ओल्ड न्यू और ओल्ड क्या है ये अपोजिट है दूसरे के वैसे ही मॉडर्न का अपोजिट क्या है ट्रेडिशनल मॉडर्न मतलब आज आधुनिक ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत समय से चला आ रहा है शेक्सपियर इज टू इंग्लैंड शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले इंग्लैंड के वैसे ही आपको बताना बताना है रविंद्रनाथ टैगोर इज टू इंडिया नर्सरी इज़ टू प्लांट नर्सरी में क्या लगाया जाते देखो प्लांट पाए जाते हैं वैसे इंक्यूबेटर में क्या रखे जाते हैं एग्स रखे जाते हैं जिससे एग को गर्म करके उसको उसमें जो प्रोसीजर की जाती है गर्म करके है ना वो चीज़ है आगे देखो गोल इज़ टू फुटबॉल फुटबॉल में क्या पढ़ते हैं गोल वैसे ही क्रिकेट में क्या पड़ती बाउंड्री ठीक है ना गोल कहाँ पड़ते हैं फुटबॉल में तो बाउंड्रीज़ कहाँ लगती क्रिकेट में लगती है केक्स इज टू बेकरी बेकरी में केक बनता है केक कहाँ मिलता है बेकरी में वैसे ग्रेन्स कहाँ पर बनाए जाते हैं फार्म में है ना फार्म जो होता है किसानों का खेत वहाँ पर ग्रेन्स यानी फसलें उगती है समझ में आ गया यही कनेक्शन है आगे अब क्या करना आपको अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड लेटर्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में क्लू दिए उससे आपको क्या करना है ये जो लेटर है ना इसको सही सिक्वेंस में जमा के एक वर्ड बनाना है, है ना जि जिस जिस वर्ड का मीनिंग ये निकल जाए समझ में या T U L E F लिखा हुआ है तो इसको सही लेटर को सही सीक्वेंस में जमाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा इससे बनता है फ्लूट जो कि क्या एक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि दिया हुआ है बाजू में लिखा हुआ है ठीक है ना वैसे ही C A M C A P S I को सही जमाएंगे तो ये बन जाएगा कैप्सिकम कैप्सिकम का मतलब क्या होता है शिमला मिर्च एक वेजिटेबल है जो कि ई आर यू आई टी पी जे को आप जमाएंगे एक प्लानेट है ये जो कि क्या है जुपिटर बन जाता है ये हिंट है ना ब्रैकेट में उससे पता चल रहा है हमें क्या बनाना है वैसे इससे बन जाएगा अ कलर मतलब येलो बन जाएगा देखो स्पेलिंग वही है बस सीक्वेंस चेंज कर दिए इससे बन जाएगा एक एनिमल कंगारू ठीक है पी ए एन एल को सही जमाएंगे तो ये नेपाल बन जाएगा जो कि क्या एक कंट्री है ठीक है ऐसे ही करना है यहाँ देखो स्टो है ना द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद एम ए आर है ना क्या हो रहा है जो वर्ड्स है, है वो एम ए आर से ही स्टार्ट होने वाले यहाँ जो दिया हुआ है देखो क्या बोला है देखो सबसे लास्ट वाला पहले बताता हूँ यहाँ आसान है देखो अ प्लेस टू बाय एंड सेल थिंग्स उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं क्या कहते हैं मार्केट कहते हैं तो ये सब एम ए आर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको आगे तीन डैश दिए हुए या ना आगे तीन वहाँ आपको सिर्फ के ई टी लिखना है एम ए आर तो लिखा हुआ है मैंने बाजू में सारी चीज़ें ऐसी लिख दी है ये क्या मार्केट है तो एम ए आर लिखा हुआ है तो आप ये जो ये तीन ये जो दिए हुए हैं डैश डैश उसके नीचे क्या लिख दोगे कैपिटल के कैपिटल ई और कैपिटल टी लिख दोगे ना वैसे ही चीज़ों को भरना है मैंने पूरा लिख दिया है है ना एम ए आर छोड़ करके बाकी जो चीजें स्पेलिंग वो आप लिख दीजिएगा ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एनिमल विच कैरीज इट्स यंग इन अ पाउच ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को अपने पाउच में रखते हैं ना पेट के अंदर ऐसा कहीं दबा के रखते हैं कंगारू में जैसे होता है उनको क्या कहते हैं ऐसे एनिमल को ऐसे एनिमल को बोलते हैं मार्सुपियल क्या बोलते हैं मार्सुपियल एज और बॉर्डर जो एज होता है या बॉर्डर जो किनारा उसको और क्या बोलते हैं हम मार्जिन भी तो बोलते हैं एम ए आर से स्टार्ट करना है हमें जो कुछ करना है इनहेबिटेंट ऑफ मार्स मार्स में रहने वाले जो प्राणी है या कुछ जीव है उन्हें क्या कहते हैं मार्सियल क्या कहते हैं मार्सियल प्लांट विद येलो फ्लावर्स एक प्लांट है जो येलो फ्लावर्स आते हैं उसमें एम ए आर से क्या नाम है उसका मैरीगोल्ड मारीगोल्ड ठीक है ना लो लाइंग लैंड विच रिमेंस वाटर लॉग्ड जो निचला हिस्सा होता है है ना गहराई में जो होता है जो हमेशा पानी से भरा रहता है दलदल वाली जमीन उसको क्या बोलते हैं हम एम से मार्स बोलते हैं क्या बोलते हैं मार्स मतलब दलदल ठीक है देखो दो ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं तो आपको सिर्फ एस और एच लिखना है है ना एम ए आर तो लिखा ही हुआ है ठीक है ऐसा मत लिखना जैसा मैंने लिखा मैंने आपको पूरा लिख के दे दिया एक बार अ प्लेस टू बाय एंड सेल थिंग्स ये तो आपको पता ही मार्केट क्लियर है तो ये भी हो गया क्लियर ठीक है आगे कुछ है क्या स्टैंड लर्निंग ग्रामर ठीक है चलो मैं सीधे आपको लेके जाता हूँ लर्निंग ग्रामर में यहाँ पर तो आज हम इस लर्निंग ग्रामर में क्या सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब क्या होती है वो सीखने वाले हैं वर्ब तो सबको पता है लेकिन हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब क्या होती है स्टूडेंट जो वर्ब होती है ना वर्ब क्या होती है वर्ब हाँ उसी में क्या करते हैं हम कुछ प्रिपोजिशन लगा देते हैं जैसे कि एट लगा दिए इन लगा दिए ऑन लगा दिए आउट लगा दिए ऑफ लगा दिए ये सारी प्रिपोजिशन हम जोड़ देते हैं उस वर्ब के आगे तो वर्ब और प्रिपोजिशन मिलकर के एक नया मीनिंग निकाले एक नई वर्ब बन जाती है जिसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब देखो पुल यानी तो खींचना होता है डाउन यानी तो नीचे पुल क्या है वर्ब है और डाउन क्या है एक प्रिपोजिशन है ये वर्ब और प्रिपोजिशन मिल कर के एक नया वर्ब बन गया अब इसका मीनिंग ना तो खींचना हो गया और ना ही नीचे हो गया इसका कुछ और मीनिंग निकल गया तो ये होती है फ्रेजल वर्ब लुक यानी तो देखना होता है लेकिन फ्रेजल वर्ब में उसके साथ फॉर जोड़ दूं तो लुक फॉर का मतलब तो ढूंढना हो जाएगा है ना व्हाट आर यू लुकिंग लुकिंग फॉर आप क्या ढूंढ रहे हैं है ना और लुक के साथ अगर मैं इनटू जोड़ दूं लुक इनटू का मतलब तो जांच करना हो जाएगा समझ में आ गया लुक के साथ अगर मैं डाउन अपॉन जोड़ दूं डाउन अपॉन यानी मैंने यहां पर क्या कर दिया दो दो प्रीपोजिशन जोड़ दिया जैसे मैंने जोड़ दिया लुक लुकिया ने तो देखना होता है दो प्रीपोजिशन जोड़ दिया कई बार दो भी जुड़ जाती है डाउन अपॉन इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना समझ में आ गया तो ऐसे टाइप से हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं जैसे कॉल ऑफ का मतलब क्या है ब्रेकअप का मतलब क्या है कैरी आउट का मतलब क्या है पुट ऑफ का मतलब क्या है बैकअप का मतलब क्या है फॉल इन विद देखो फाल यानी तो गिरना होता है इन और विद दो दो प्रीपोजिशन लग गई यहाँ यहाँ पर ब्रेक डाउन ब्रेक यानी तो ब्रेक लगाना और डाउन यानी तो नीचे डाउन तो प्रीपोजिशन है तो इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं फ्रेजल वर्ब बना लेते हैं और इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है तो चलो कैंसल्ड कौन सी फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग कैंसल होता है वो है कॉल ऑफ समझ में आ गया द ट्रेड यूनियन कॉल ऑफ द स्ट्राइक आफ्टर फिफ्टीन डेज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझे लगता है यहाँ पर देखो क्या बोला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग गिवन इन ब्रैकेट्स कोई बात नहीं आपको सब समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर कैंसल्ड लिखना है मैंने तो कॉल ऑफ लिखा है और कैंसल्ड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो मुझे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी ना स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर कॉल्ड ऑफ लिख लेना आप।, आप क्या लिखोगे वर्ब की फॉर्म मैंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया लिखते टाइम अब मुझे समझ में आया कि है ना समझ में आ गया तो आप क्या लिखोगे कॉल्ड ऑफ सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड और ओ डबल एफ ऑफ समझ में आ गया तभी सही मीनिंग निकलेगा ना इसका भी वर्ड देखो ये फ्रेजल वर्ब भी तो वर्ब ही है ना तो इसकी भी फॉर्म होती है जैसे ब्रेक डाउन ब्रोक डाउन कैरी आउट कैरीड आउट फॉल इन लॉ फेल इन विद सॉरी फेल इन विद भी होता है पुल डाउन पुल्ड डाउन ऐसे इसकी भी फॉर्म होती है ऐसा थोड़ी है तो क्या बोला है इसमें तो स, आप वहाँ देख लेना इस जिस फॉर्म में यहाँ पर बाजू में दिया उसी फॉर्म में आपको लिखना है क्लियर है वी विल बैक यू अप इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन विल के बाद तो बैकअप सही है यहां पर कोई वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करना है क्योंकि यहां भी सपोर्ट लिखा हुआ है सपोर्ट भी वर्ब की पहली फॉर्म ही है देआर पार्टनरशिप ब्रेक डाउन आफ्टर टू ईयर इंडेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं लिखना आप क्या लिखोगे ब्रोक डाउन बी आर ओ ए के ब्रोक डाउन समझ में आ गया द मेड कैरी आउट परफॉर्मड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहां भी होना चाहिए तो कैरीड आउट कैरिड की स्पेलिंग क्या है सी ए डबल आर आई ई डी कैरिड सी ए डबल आर आई ई डी कैरिड आउट समझ गए सी ए डबल आर आई ई डी कैरिड और आउट तो वर्ब की फॉर्म जब चेंज होती तो ये प्रिपोजिशन चेंज नहीं होती सिर्फ है ना मेन जो वर्ब है वही फॉर्म चेंज करना है फ्रेजल वर्ब में ठीक है ना दे विल इवेंचुअली इवेंचुअली मतलब अंततः आखिरकार यहाँ विल लगा हुआ है तो यहाँ कोई एक्सेप्ट वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं ये सही है दे विल इवेंचुअुअली फॉल इन विद अवर प्लांस वो क्या हो जाएगा प्लांस को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे आखिरकार वो क्या कर लेंगे प्लांस को हमारे एक्सेप्ट कर लेंगे योजनाओं को द वेंडर डिमोलिस्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर पुल्ड डाउन लिखना पड़ेगा आपको पी यू डबल एल ई डी पुल्ड डाउन समझ में आ गया थोड़ा सा आप सुधार लीजिए बच्चों इसके लिए मैं है ना समझ क्षमा चाहता हूँ द वेंडर पुल्ड डाउन द होर्डिंग होर्डिंग को क्या कर दिया पुल डाउन मतलब डिमोलिश कर दिया बर्बाद कर दिया वेंडर ने ठीक है खराब कर दिया द कमिटी डिसाइडेड टू पुट ऑफ फॉर्म है तो तो भी भी ही ही लिखना। है। वैसे भी put की तो put, put, put ही होती है। है कोई दिक्कत ही नहीं है, put वाले में ना। इनोग्रेशन उन्होंने डिसाइड कर लिया कमिटी ने कि हम इनग्रेशन जो उद्घाटन समारोह समारो होता है उसे पोस्टपोन कर देंगे ना। C, द सैड न्यूज कॉलेब्सड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर आपको ब्रेकअप की जगह क्या लिखना है ब्रोक अप लिखना है बी आर ओ ए के ब्रोक है ना ब्रेक की सेकेंड फॉर्म लिखना है क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है समझ गए? आगे कुछ और है क्या नहीं है अब हाँ कुछ और है देखो ये लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन ये सारा का सारा आंसर मैंने लिख करके रखा हुआ है आप लोग के लिए चलो एक्सप्लेन कर देते हैं क्या बोला है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब ये कुछ फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग आपको लिखना है ऑल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन और अपने मन से कुछ सेंटेंस बना के उसे यूज भी करना है जैसे ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है टू सडनली स्टॉप डूइंग और सेइंग समथिंग कुछ कहते कहते अचानक रुक जाना या कुछ करते करते अचानक रुक जाने को बोलते ब्रेक ऑफ तो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा ही स्टार्टेड स्पीकिंग उसने स्टार्ट कर दिया बोलना एंड देन ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस और एक सेंटेंस के बीच में उसने बोलना बंद कर दिया ब्रोक ऑफ मतलब सडनली रुक गया है ना स्टॉप कर दिया बोलना इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस क्लियर है रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का के पीछे पड़ जाना रन आफ्टर का मतलब क्या होता है पीछे ही पड़ जाना देखो सीक और यानी भिड़े रहना किसी चीज को पाने के लिए और टेरे, ये गलत लिख दिया है ना किसी चीज़ को अटेन समथिंग आना चाहिए वो क्या कुछ गलत दिख दिया ए टी ए डबल टी आई एन अटेन अटेन समथिंग होगा ये गलत है ओके यानी किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना देखो ये अटेन है ए डबल टी आई एन तो दे आर रनिंग आफ्टर मी वो मेरे पीछे ही पड़ गए दे आर रनिंग आफ्टर मी मतलब वे मेरे पीछे पड़े पड़ रहे हैं टू ज्वाइन देयर कंपनी ताकि मैं उसकी उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ है ना समझ में आ गए पुट पुट का का मतलब 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 क्या होता है? Put aside का होता है है रखना बाजू में तो ऐसा मीनिंग तो निकालते नहीं लेकिन आप निकाल सकते हैं इसका मीनिंग इसका मतलब होता है किसी चीज को बचा कर रखना है ना टू कीप और टू सेव समथिंग एग्जांपल मनी जैसे कि हमारे यहाँ मदर लोग क्या करती है पैसे बचा बचा कर रखती है ना तो उसी को बोलते पुट असाइड तो कोई भी चीज को बचा के रखना जैसे कि सी हैज बिन पुटिंग असाइड सम मनी फॉर अ वेकेशन एक वैकेशन के लिए एक छुट्टी के मौके के लिए वो क्या कर रही है Has been putting aside, वो पैसे जमा कर रही है सम मनी कुछ पैसे को क्या कर रही है पुट साइड कर रही है सेव कर रही है फॉर अ वैकेशन छुट्टियाँ बिताने के लिए छुट्टियों में कहीं इंजॉय करने के लिए कम कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन कुछ घटित होना है ना कुछ किसी घटना का किसी इवेंट का घटित होने के बोलते हैं कम अबाउट है ना हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट हम पूछ सकते किसी की कैसे ये दुर्घटना या ये सिचुएशन घटित हुई आपके साथ ये सिचुएशन कैसे आ गई भाई हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट ये सिचुएशन आपके साथ कैसे आई समझ में आ गया तो होता है टू हैपन कुछ होना है ना तो जैसे हमको किसी को पूछना है आपके साथ ये कैसे हो गया हाउ डिड दिस कम अबाउट हाउ डिड दिस हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट ऐसा बोल सकते हो आप किसी को आपके साथ ही कैसे हो गया बोलना है तो ठीक है ना तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए स्टूडेंट है ना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए ठीक है ना इससे हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है और कमेंट भी कर दीजिए ओके थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिएगा